चलिए अब बात करते हैं उस सरप्राइज की जो कि ट्राइडेंट हिल्स पंचकुला आप सबके लिए लेकर आया है। मेरे ठीक पीछे मौजूद है वो साइट जहां ट्राइडेंट हिल्स का नया प्रोजेक्ट आ रहा है जिसका नाम है विंड सॉन्ग रेजिडेंसेस। ये हैं स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर 4 BHK ग्रैंड प्रीमियम रेजिडेंसेस जो कि बने हैं 360 एंड 545 स्क्वायर यार्ड प्लॉट एरिया पर। मेरा नाम संजय कुमार बमनिया है। बमनिया कहते हैं, मेरे को शर्म आती है। एक रतनलाल बमनिया है जो कि मंदिर और दानक धर्मशाला का पैसे का गमन कर चुका है। मैं अपने आप को बमनिया कहते हैं शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। रोड़ा ये है, हमने 3 साल पहले इसकी RTI लगाई थी दानक धर्मशाला की। इसका उसके अंदर 50 से 55 लाख रुपये कम से कम गमन है इसके अंदर, जो कि जो बिल्डिंग बनी नहीं है वो इसने कागजों में बना दी है। उसका लेके रोड़ा चल रहा था। इस विषय में हमारे को अमन चोपड़ा ने हमारा समझौता कराया था, कोई बात नहीं, आप एक परिवार से हो, दानक परिवार से हो, बैठो, आपको पैसा भी मिलेगा, धर्मशाला भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। 21 तारीख को मेरे ताऊ जी का भोग था, 21 तारीख को भाई राजू लाडवाल जो है ना यहाँ आए हुए थे, तो मेरे जो ताऊ जी था ना यहाँ इस धर्मशाला का पूर्व प्रधान था। सारे समाज के लोग, जगह जगह से अच्छे अच्छे लोग, प्रधान भी थे, समाज के लोग भी सब आए हुए थे। राजू भाई भी बैठा था। राजू भाई जो है, राजू लाडवाल जो है ना, संजय कॉलोनी एकता नगर में एक धर्मशाला है छोटी सी समाज की, उसका वो प्रधान है। उस प्रधान, उसने जो रतनलाल बमनिया ने एक डिपू खोल रखा है, डिपू की दुकान जो है ना किराए पे ले रखी है रतनलाल बमनिया ने उस धर्मशाला में। राजू ने कहा, अभी प्रधान जी हमारे को भी 200 महीने का किराया है, उसका कोई सुधार कर लेते हैं, आप 200 महीने का किराया तो दे दो, 200 महीने का वो किराया तो दे दो। उसने क्या किया, उसके राजू के गल पड़ गया। हमारा प्रोग्राम था, हम बोले प्रधान जी आप ऐसे ना करो, ये प्रोग्राम निपटाने जाने हो, जो दूर दूर से लोग आए, हमारी इसमें बेइज्जती होती है। तो राजू के गल पड़ गया, उसने अपने पुत्र को फ़ोन किया, हम राजू को कह दिया अभी तू जा यार, और राजू हमारे बस समाज की बात मान के चला गया यहाँ से। यहाँ मैं रह गया, RTI का जवाब जैसे श्यामलाल सोनम माड़ूराम, वो मेरा ताऊ का लड़का है, मैंने उनकी पैरवी की है, उन्होंने लगाई थी RTI। हर कारण, हर दिन 24 घंटे 36 घंटे जितने होते उनके साथ था मैं, उनको पता लग गया इसके साथ ये चल रहा है। उसमें से मेरे वो रंजीश जो है ना, मेरे ताऊ जी गुजरे थे, किस तारीख को उसने अपने लड़के को बुला लिया, कहता 5-4 बंदे लेके आना। वो 5-4 बंदे लेके आया, एक वो आए, उनके पास पिस्टल थी सुनील बामनिया के पास, दफ्तर में बढ़ गया, दफ्तर में हाय हो, लोग कुछ भागने लगे, अगपना तबड़ी होगी, उसके अंदर से हम रुक गए, हमारे रिश्तेदार कहने क्या बात होगी। हम उसको बोले अभी तो कोई बात नहीं, रिवॉल्वर किसने निकाल रहा है। उसका बाप कहता, उसने 2-3 बार बोला है। उसका लड़का कहता है डैडी इसका इंतजाम करेंगे, आप यहाँ नहीं करेंगे, कहीं और करेंगे। उसने जो कि 14 तारीख रात को, मैं अपनी दुकान है, मेरी एग की दुकान है, 28 साल से मेरा वही काम है, मेरे ना तो कोई दोस्त है ना मेरा दुश्मन है। मेरी दुकान 3 नंबर गेट 116 नंबर के बैक साइड अनाज मंडी में कबीर चौक से इधर ही पड़ जाती है। मैं वहाँ अपनी दुकान मंगल करके आ रहा था, मेरा बेटा भी मेरे साथ था, मेरा बेटा पीछे रह गया, दुकान का लॉक लगाने लगा ताला, और मैं 5 मिनट आगे आया हूँ शनिदेव मंदिर के पास। उन लोगों ने क्या किया, 6 बंदे खड़े थे पहले से, 3 बंदे पीछे आ रहे थे मेरे, 6 बंदों ने मेरे हमला किया, एक तो कापा मारा यहाँ और 2 एक राड़ेरू ने मारी ऐसी, मैं वहाँ गिर गया। मेरे बेटे ने सोचा मेरा पापा गिर गया, वो चक रहे हैं, तो मेरा बेटा ने देखा तो वो मेरे पापा को तो मार रहे हैं धड़ाधड़। मेरे बेटे ने उनके बीच में ही मोटरसाइकिल मारा, वो अपना तपड़ी में 3-4 लोग तो भाग गए। भागने के बाद मेरे लड़का भी उनके भी उनका मुकाबला किया, मैं तो गिर गया था वहीं। मेरे लड़के ने मोटरसाइकिल खोसा उनसे, वो फतेहाबाद का नंबर है, आज 10 दिन हो गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं। और ये सुनील बमनिया ने क्या कर रखा है, झूठे लोगों पे पर्चे बनवाता है, झूठे पर्चे बनवा के मेरे साहब मेरे पास आए थे कुछ लोग, उन पे उनकी किसी लड़की पे 76 लगवा के 3-4 बंदे फंसा दिए। उन परिवारों से 12 लाख रुपए की इस बंदे ने डिमांड की है, क्योंकि संजय भाई सामाजिक आदमी है, समाज से जुड़ा हुआ है और समाज की सेवा में अग्रणी है, इस नाते से इस पे हमला हुआ है राजनीतिक संरक्षण के चलते हुए। आज तक एक वारदात में एक मोटरसाइकिल पकड़ी गई, पुलिस ने आज तक उस मोटरसाइकिल के मालिक को बुलाने तक की जहमत नहीं उठाई, मोटरसाइकिल तो खुद लेके आया था,
या वारदात में किसी को तूने दे के इस्तेमाल कराया था, अगर वो मोटरसाइकिल वाले को मालिक को पकड़ कर पुलिस कार्रवाई करे तो सारे नाम उजागर हो जाएंगे। इस व्यक्ति की हड्डी टूटी है, इसका हड्डी का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन तो हम इस सामाजिक लड़ाई में इस व्यक्ति के साथ तन मन से साथ हैं। पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हैं, रविवार तक अगर पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की तो पूरे समाज के लोगों को लेके थाने का घेराव किया जाएगा, थाने के आगे प्रदर्शन किया जाएगा। जो भी हुआ 14 तारीख को बहुत गलत हुआ, उस हादसे में संजय बमणिया की जान भी जा सकती थी, लेकिन समाज में कहीं ना कहीं समाज का डर होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। लड़ाई होती है, मन मुटाव हो जाते हैं, विचारों की लड़ाई होनी चाहिए, जबानी लड़ाई होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जो 9 व्यक्ति जिन्होंने ये कांड किया है उन 9 को पकड़ा जाए, उनका रिमांड होगा, अपने आप बता देंगे कौन था कौन नहीं था। फतेहाबाद वालों के साथ तो कोई दुश्मनी है ही नहीं, फतेहाबाद वालों के साथ अगर दुश्मनी है तो वो ही पता चल जाएगा। वो लोग आए सामने, प्रशासन से एक ही उम्मीद रखते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई करें, उन 9 के 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार करें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। संजय कुमार ने जो ये बयान दिए हैं आज, उस बयानों के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, वो व्यक्ति पहले नंबर तो हमारी जिस धर्मशाला के विषय में ये उसको मुद्दा बना रहा है उस धर्मशाला का मेंबर भी नहीं है, और ये मंडी के अंदर एक अंडे की दुकान चलाता है जो गैर कानूनी तौर पे एक अवैध हत्थे के रूप में वहाँ पे हत्था चला रहा है। ये लोग आए दिन हम पर कुछ ना कुछ राजनीतिक रंजिश के तहत, सामाजिक रंजिश के तहत कोई ना कोई आरोप लगाते हैं। जिस धर्मशाला के बारे में ये जिक्र कर रहे हैं, उस धर्मशाला के मेरे बाऊजी, मेरे पिताजी रतनलाल जी प्रधान थे। हमारी सामाजिक लेवल पर आपस के अंदर सब सर्वसम्मति से समाज के सभी गणमान्य लोगों ने बैठकर उसका प्रधान आज से 2 साल पहले विनोद बामणिया को बना दिया था। विनोद बामणिया को बनाने के बाद 2 साल से उस धर्मशाला को वो देख रहे हैं। हम जब भी हमें हमारे सहयोग की ज़रूरत होती है या मीटिंग्स होती हैं, हमारी बैठक होती हैं, तो उसके अंदर हम जाते हैं, नहीं तो हम कोई इंटरफेयरिंग नहीं करते उसके अंदर। ये लोग आरोप लगा रहे हैं भाई, हमारे जो मेरे साथ जो लड़के रहते हैं उन पे भी आरोप लगाते हैं भाई, वो लोग इसको मारने में थे, इसको मार पिटाई करी, उसका झूठा आरोप लगा दिया, मेरे पे भी आरोप लगा दिया, जो कि पूरी तरह बेबुनियाद है। किसी भी तरह का अगर इनके पास प्रूफ नहीं है, और ये लोग धक्के काम से हमारे सारे परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनके पीछे यहाँ के सिरसा के स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय राजनीतिक लोग हैं वो भी, उनका भी हाथ है, क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत कोशिश की थी, मगर हमने सामाजिक तौर पर आपस में सर्वसम्मति से हमने बैठ के इसका निपटारा कर दिया था। तो झगड़ा हुआ उसके अंदर हमारा कोई हाथ नहीं है, सब झूठे आरोप हैं हमारे ऊपर, कोई भी एक भी अगर उसमें आरोप साबित हो जाए तो हम भी यही हैं। जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का ये सारा पार्ट है, पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन करें, और जो उसका जो कसूरवार है वो दोषी पाया जाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई कर देगी पुलिस। सर, आप भी ये आरोप लगा रहे हैं कि जब भी कोई बात उठाई जाती है तो आपकी तरफ से झूठा केस दर्ज करवाने की धमकी दी जाती है। ये मेरे को FIR नंबर दे, मैंने इसके खिलाफ कौन सी FIR नंबर के तहत मुकदमा दर्ज करवाया है, या किसी और के खिलाफ मैंने FIR दर्ज करवाई है जो ये आरोप लगा रहा है, ये मैं इसके खिलाफ भी इनको कोर्ट में घसीटूंगा और मानहानि का दावा करूंगा भी, तुमने मेरे ऊपर जो 12 लाख का आरोप लगाया है वो बेबुनियाद है, और उसको साबित करने के लिए इनको साबित करना पड़ेगा वो भाई, यहाँ भी उसको साबित करो भी, तुम ये 12 लाख किससे मैंने मांगे, किससे नील मांगे, वो उसको सामने लाना पड़ेगा, नहीं तो मैं इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करूंगा, और जो जो लोग इसके अंदर शामिल हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करूंगा। ऐसा है जी, संदीप दुग्गल हमारे पार्टी का कार्यकर्ता है, मेरे भाई की छोटे भाई की दुकान है शिव चौक के ऊपर, वहाँ पर वो उसकी हेल्प के लिए जाता है, इस कारण से वो इससे रंजिश रखते हैं, क्योंकि इनके बीच में कई फूलों वाले भी हैं, उनकी खुद की दुकानें हैं, इस कारण से इससे रंजिश रखते हैं, और कोई बात नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है, ये शरीफ लड़का है, और यहाँ पे कभी भी इसके ऊपर ना तो कोई पहले कोई मुकदमा दर्ज है, ना कोई और है, ना कोई इसकी प्रवृत्ति है।